This is Injeet. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Or I just talked about Ogi, that is called Main Components of Performance Management Process. As you can see on the screen, the first stage that is very important for performance appraisal and performance management, that is planning for the year. Step number two, deciding on performance reviews and performance appraisal criteria. और जो परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं उसकी क्राइटेरिया भी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या क्राइटेरिया होने चाहिए वो भी हमें अपने एम्प्लॉयज को साल शुरू होने से पहले या जो न्यू इनकम्बेंट है, नया एम्प्लॉय जिसने हमें ज्वाइन किया है और जब उसके हम ऑनबोर्डिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर थ्री, रिक्रूटमेंट ऑफ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, परफॉर्मेंस फीडबैक एंड काउंसलिंग. परफॉर्मेंस फीडबैक पे हम बहुत सारी डिटेल डिस्कशंस करेंगे आने वाले वीडियोस में. रिवॉर्ड गुड परफॉर्मर्स, इनिशिएटिंग परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स, और वो हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से हम एम्प्लॉय डेवलपमेंट के डिफरेंट आइडियाज और गैप्स निकाल के उनकी टैलेंट डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे उस पर बात होगी. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं. द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इज ऑफन linked with other organizational systems such as, pehli baat karte hain hum jisme aap dekhte hain ki strategic planning ho rahi hoti hai, uske baad hum baat karte hain total compensation, number 3 hum baat karte hain individual team development, number 4 succession planning and number 5 hr technology system. To ek ek cheez mein hum baat karenge ki performance management jo process hai wo organization ke jo pure system hai unke sath kaise लिंक होता है. तो द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर मेनी लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग मॉडल्स यूज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स, वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंटेड वर्कर्स. तो इसमें बहुत सारी बातें ऑलरेडी मिक्स है, उसमें हम बात करते हैं. सबसे पहले बात की गई लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स. लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स से पहले मैं तमाम लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा कि ISO 30409 वर्कफोर्स प्लानिंग पे उसे जरूर आप स्टडी करें, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मैं उन पर बात भी करूंगा. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है और उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग्स हैं, अगर हम उसको करना स्टार्ट कर दें तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो टूल है वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किसी भी नॉन परफॉर्मर को लॉन्गर रन के लिए रिटेन नहीं कर सकते. एवरेज परफॉर्मर को सर्टेन हद तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट वी वांट हिम टू बी एटलीस्ट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर. ऑप्टिमल के बाद वो गुड परफॉर्मर बने, गुड के बाद वो एटलीस्ट मीट एक्सपेक्टेशन की क्राइटेरिया के अंदर आए, मीट एक्सपेक्टेशन क्राइटेरिया के बाद वो एक्सीड एक्सपेक्टेशन वाली क्राइटेरिया में चला जाए. क्योंकि जो नॉन परफॉर्मर्स हैं, बिलो एवरेज परफॉर्मर्स हैं, या फिर आप उसे कह सकते पार्शियल परफॉर्मर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उसको सब्सिडाइज कर रही होती है, उसको पे कर रही होती है एक्स्ट्रा उन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो वो पूरे नहीं कर पा रहा. ऑर्गेनाइजेशन जब सैलरी सिस्टम कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स अपने साल के हिसाब से बजट्स बनाती है, उसके माइंड नहीं होता है कि हम ये कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर, सैलरी रिविजन, इंक्रीमेंट बोनसेस जो हम प्लान कर रहे हैं फॉर द ईयर, कि एक एम्प्लॉय एटलीस्ट अपने 100% ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा. अगर 100% ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाता तो जो सैलरी उसको मिल रही है और उसके अगेंस्ट वो 70-80% ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है, इट मीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब्सिडाइज कर रही है. तो ये बात करते हैं. मेनी लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग मॉड्यूल्स यूज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. मींस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमें लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है. तो उसमें हम बात करेंगे आगे जाके एम्प्लॉय डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, परफॉर्मर्स, पार्शियल परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स की कैटेगरी हम डिस्क्राइब करेंगे. सो द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजर्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स, whether to organization attracting and retaining the talented workers. Mostly organization उन ही employees को retain करती है जो organization को सिर्फ 100% perform करके नहीं देते, बल्कि वो extra margin, extra perform करके देते हैं. अगर आप, for example, आपको 100% targets दिए गए थे, but you are adding value into the business and you are achieving 150% at least, ताकि organization को अब आप subsidize कर रहे हो. Organization आपका जो compensation
इस साल बजट पे लिया था वो 100% ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट था, बट यू वर्क रियली हार्ड, यू वर्क रियली स्मार्ट फॉर द ईयर. तो आपने क्या किया, आपने 100 के बजाय आपने 150% परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया. जब आप 150% परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया, 100 से ज्यादा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, इट मीन्स यू आर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. तो ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको भी पे ऑफ करती है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, in terms of promotions, in terms of other benefits which are offered by the organization. So the performance management process jo hai wo baki organization system ke sath jo link hota hai usme pehla tha strategic planning. Now we're going to talk about another important factor of the organization system jisme hai total compensation. Most organization use performance measurements as basis for pay for performance compensation process. जी हाँ बिल्कुल, जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कंप्लीटली अगर उसके हम लास्ट एनालिसिस निकाल कर देखें कि उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टूल के, परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्राइटेरियन टूल को देखते हुए इन द एंड एक एम्प्लॉय को क्या उसमें ग्रीड होती है कि मुझे क्या मिलेगा. एक एम्प्लॉयर जो किसी को कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट दे रहा होता है तो उसके पास एक टूल एंड सिस्टम होता है, उस टूल और सिस्टम को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहा जाता है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बेसिस पे कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है नेक्स्ट ईयर. ना सिर्फ कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर बल्कि जो रिवॉर्ड पॉलिसी भी है वो भी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको देख के सेट किया जाता है. सो इन नटशेल अगर बात की जाए कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ड्राइव करता है इस कल्चर को जिसको बोलते हैं पर्पस ड्रिवन कल्चर, पे फॉर परफॉर्मेंस कल्चर. तो इसमें होता ही है कि हम इस पे फेवरेटिज्म को, जो बायस्ड अप्रोच है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग वाली अप्रोच है, वो इसमें मिनिमाइज हो जाती है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल बेसिकली एक कल्चर को ड्राइव करने में मदद करता है जिसका नाम है पे फॉर परफॉर्मेंस कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, individual and team development. An individual development plan IDP, also known as career development plan, is often used in conjunction with the performance review process as final documented step to assist employees in a goal setting. An individual development that will serve to advance their career and promotional opportunities. Performance management jo system hai, वो इंडिविजुअल टीम एंड टीम डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम आता है. इंडिविजुअल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेटा हमारे पास आया, उसमें फॉर एग्जांपल 4 KPIs थी, या अगर बैलेंस स्कोर कार्ड को थोड़ा सामने रखें उसमें जो 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कस्टमर डिलाइट, पीपल डेवलपमेंट एंड 4th ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन BPR, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग. अगर मुझे पता है कि एक एम्प्लॉय की ये चारों ऑब्जेक्टिव्स को मैंने मेजर किया है और उसमें 3 में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करा, अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये वो 100 and 100 and above उसमें अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है, लेकिन एक ऐसा गोल है फॉर एग्जांपल कस्टमर डिलाइट, उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा. सो हम क्या करेंगे, सो 1-to-1 या इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ताकि वो ऑब्जेक्टिव मींस कस्टमर डिलाइट को अचीव करे नेक्स्ट ईयर या विद इन द ईयर, चारों ऑब्जेक्टिव्स के स्मूथ हो जाएं, चारों KPIs उसकी स्मूथ हो जाएं और चारों KPIs को 100+ परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. फिर सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, पूरे एनालिसिस निकालते हैं डिपार्टमेंटल बेसिस पे. डिपार्टमेंट के बाद हम जो पूरा रीजन होता है रीजन बेसिस पे, पूरा जो डिपार्टमेंट के बाद आपका रीजन, रीजन के बाद आपकी जो ब्रांचेस होती है उस बेसिस पे. मींस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल एक ऐसा टूल है जो आपको इंडिविजुअल से लेकर टीम मैनेजमेंट, टीम डेवलपमेंट तक आपको आंसर्स निकाल के देता है कि हमें किन किन चीजों पे काम करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि HR के अंदर मोस्टली लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, या फिर हम सेल्स के बारे में देखते हैं कि वहां टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, तो सिर्फ हम जब KPIs मेजर करने की बात करेंगे फिर हम देखेंगे किस टेरिटरी में लोग छोड़ के जा रहे हैं, किस मैनेजर के अंडर में लोग छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा किस मैनेजर या किस पोर्टफोलियो में लोग छोड़ के जा रहे हैं. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल आपको इस लेवल तक आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपने टीम की डेवलपमेंट करें और इंडिविजुअल डेवलपमेंट करें.
सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि हम ना सिर्फ टीम डेवलपमेंट करते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट करते हैं, बल्कि हम लोगों को करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, कि अगर वो आज हमारे पास एक मेडिकल रैप है या हमारे पास टेरिटरी सेल्स ऑफिसर है, आने वाले वक्तों में वो सेल्स मैनेजर कैसे बनेगा या फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा, एरिया सेल्स मैनेजर कब बनेगा, रीजनल सेल्स मैनेजर कब बनेगा, रीजनल सेल्स मैनेजर के बाद बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट हेड कब बनेगा। तो ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए हम हर चीज को जो बेस बनाते हैं कि टीएसओ आके एक लीडिंग पोजीशन में जब पहुंचेगा, तो उसका जो बेस बनाते हैं, उसकी जो बेस लाइन है, वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक एवर। और मैंने अभी इस पर 4 वीडियोज बनाई है, तो आप वो उसको भी देख सकते हैं ताकि सक्सेशन प्लानिंग के बारे में आपको एक बेहतर आइडिया मिल सके। So succession planning, performance data over time are vital inputs for the long-term planning for future organization leadership. So succession planning, agar thoda se dekhen to wo aapke individual development aur team development ke saath uska taluk hai. Performance management ka jo data hamare paas aayega, for example 3 to 5 years ka data hum dekhenge ki ek individual kaise perform kar raha hai, uski trajectory kaise ja rahi hai, उसकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल 3 सालों में हमेशा 90 प्लस एंड 19 अबव परफॉर्म कर रहा है, तो उस परफॉर्मेंस का डेटा निकाल के फिर हम पोटेंशियल एनालिसिस का डेटा निकालेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे, 9 बॉक्स ग्रिड बनाने के बाद हम उसकी मेंटोरशिप, उसकी कोचिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मैनेजिंग स्किल्स डेवलप करेंगे, और उसको उस पोजीशन के साथ अटैच कर देंगे जिसका वो सक्सेसर बनेगा इन फ्यूचर। तमाम चीजों को कंजंक्ट करके हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग विदाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नथिंग, और सक्सेशन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती। सक्सेशन प्लानिंग के अंदर आपके 2 वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल तो चलो कंसल्टेंट से डेटा मिल जाएगा या फिर आप असेसमेंट सेंटर से डेटा निकाल सकते हैं, बट परफॉर्मेंस का डेटा comes from performance appraisal and performance management system. So last point of the day, which is very, very important for 2022 के बाद, तो मैं समझता हूँ इसके बाद आपका survival बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि COVID ने हमें एक lesson सिखाया है कि now the world has changed and world has become a hybrid model right now. So HR technology system, many organizations use software applications to manage the process associated with goal setting, performance review and performance improvement. To main isme apna ek jo case study hai, jo apna maine real life mein kiya, ek hamari company thi jiska naam Paperless tha, aur Mustafa sahab uske CEO hai, jinke sath humne milke is pure system ko ready kiya tha. Aur technology means koi bhi software aap le SAP le ERP Oracle system आप ले लें, या नॉर्मली जो मार्केट में HCM के नाम से अवेलेबल सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, Softronic का एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, ये तमाम सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर कम सेकेंडरी, परफॉर्मेंस को मेजर करने के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बैलेंस स्कोर कार्ड का एग्जाम्पल दिया, अब बैलेंस स्कोर कार्ड के अलावा और भी जैसे MBOs हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल और यूज कर सकते हैं, और इस तरह से कोई भी आप मेथड आप यूज करें, लेकिन जो सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है वो आपको एक्यूरेसी, आर्काइविंग, डेटा रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर ऑथेंटिसिटी देता है, और कुछ नहीं। अगर आपके बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग है तो एचआर टेक्नोलॉजी विल वर्क फॉर यू, इफ योर बेसिक्स आर वीक टेक्नोलॉजी वॉन्ट वर्क फॉर यू। सो अच्छी बात यह कि टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करे, ना कि आप टेक्नोलॉजी के लिए काम करें। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफन linked with other organizational systems such as strategic planning, total compensation, individual and team development, succession planning, HR, technology and system. तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो performance appraisal की जो strategy है वो आहिस्ता आहिस्ता build कर रहे हैं, और मजीद हम अपने दूसरे lectures में भी इनको include करेंगे, इन topics की depth को include करेंगे, ताकि आपका performance management और performance appraisal की concept बेहतर हो जाए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और तमाम स्टूडेंट जो मेरे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो वो अपने एग्जाम्स की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं,
और जब आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन होती है, तो जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यू कैन पार्टिसिपेट वेरी वेल। थैंक यू, मिलते हैं।